सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम सिखाएंगे आप सभी को ब्लू कलर टोन फोटो एडिटिंग लाइटरूम से, जो कि आप सब कुछ ही स्टेप को फॉलो करके आसान तरीके से सीख सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा स्टेप बाय स्टेप गाइज, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अपने मोबाइल में लाइटरूम ऐप्स ओपन कर लीजिए, आप सब आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। सो गाइज, लाइटरूम में आने के बाद ऑल फोटोज़ पर जाना है और अपने फोटोज़ को ऐड कर लेना है। देन नीचे वाला इंटरफेस दिख रहा है, इसको स्क्रॉल करके जाइए आप सब कलर्स वाले आइकन पर। देन यहाँ पर पहले मिक्स टूल पर आप सब जाइए। देन अब मिक्स टूल पर जाने के बाद गाइज, आपका फ़ोटो किस हिसाब से है, अगर पहले ग्रीन टोन हो गया आपके फ़ोटो में तो ग्रीन टोन ही सेलेक्ट कीजिएगा। अब ग्रीन टोन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रीन टोन सेलेक्ट करने के बाद गाइज, इसके सिचुएशन को हम लोग प्लस करेंगे और इसके ह्यू को हम लोग प्लस कर देंगे 100% प्लस। देन गाइज, इसके लेमिनेंस को थोड़ा डाउन कर लेंगे हम लोग, और इसके बाद येलो टोन्स को सेलेक्ट करेंगे गाइज, इसके ह्यू को हम लोग 100% प्लस कर लेंगे। देन इसके बाद इसके सिचुएशन को माइनस कर लेंगे गाइज, लगभग 33, और लेमिनेंस को माइनस कर लेंगे गाइज 1 प्लस। इसके बाद यहाँ से ऑरेंज टोन पर आएंगे गाइज, अब इसके सिचुएशन को हम लोग माइनस कर लेंगे लगभग 20, और इसके लेमिनेंस को प्लस करेंगे। जितना आप सब प्लस करेंगे उतना फेस वाइट होता जाएगा गाइज, देख सकते हैं। फेस वाइट करने के लिए ऑरेंज टोन ही सेलेक्ट करिए आप सब, अच्छा रहता है, इसलिए इसको 54 रख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से सियान टोन को सेलेक्ट करेंगे गाइज, इसके ह्यू को हम लोग प्लस कर लेंगे और इसके सिचुएशन को प्लस, इसके लेमिनेंस को डाउन कर लेंगे गाइज। अब इसके बाद ब्लू टोन को सेलेक्ट करेंगे हम लोग और इसके ह्यू को माइनस करेंगे गाइज, और इसके बाद इसके सिचुएशन को प्लस लगभग 83, और इसके बाद यहाँ से लेमिनेंस को माइनस कर लेना है गाइज आप सभी को। देन यहाँ से फिर पिंक टोन को सेलेक्ट करना है और पिंक टोन के ह्यू को माइनस कर लेना है 100%। देन गाइज, यहाँ से डन कर देना है। देन इसके बाद टेम्प को थोड़ा माइनस कर लेना है आप सभी को, और वाइब्रेशन को प्लस। देन गाइज, अब हमारा एडिटिंग हाफ कंप्लीट हो चुका है। अब अपने फ़ोटोज़ को सेव कर लेना है शेयर वाले आइकन पर जाकर, सेव टू डिवाइस, इसके बाद ओके हो जाएगा। इसके बाद बैक आना है आप सभी को। देन फिर से जिस फ़ोटो को हम लोग सेव किए थे एडिट करके, उसको एड करना है प्लस वाले आइकन पर जाकर। तो ये रहा मेरा फ़ोटो, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। देन इसके बाद ओपन करना है फिर से गाइज। देन फिर से हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, कलर्स वाले आइकन पर जाएंगे। देन फिर से हम लोग मिक्स टूल पर जाएंगे गाइज। अब इस बार हमारे बैकग्राउंड में थोड़ा हल्का सियान टोन आ चुका है, तो हम लोग सियान टोन को सिलेक्ट करेंगे और इसके ह्यू को हम लोग 100% प्लस कर देंगे गाइज, और इसके सिचुएशन को माइनस कर लेंगे। देन गाइज, जब हम लोग ग्रीन टोन को सेलेक्ट करेंगे और इसके ह्यू को हम लोग प्लस कर देंगे 100% गाइज, देख सकते हैं कैसे ब्लू टोन आ रहा है गाइज आसान तरीके से। इसके बाद यहाँ से सिचुएशन को माइनस कर लेंगे गाइज, और इसके बाद यहाँ से लेमिनेंस को प्लस कर लेंगे थोड़ा, और इसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे गाइज ब्लू टोन को। ब्लू टोन के ह्यू को देख लेते हैं किस पर अच्छा लग रहा है, तो हम लोग इस पर प्लस कर लेंगे गाइज 10%, और इसके बाद इसके सिचुएशन को माइनस रख लेंगे, और इसके बाद इसके लेमिनेंस को डाउन कर देंगे गाइज। देन इसके बाद हम लोग फिर से हम ऑरेंज टोन को सेलेक्ट करेंगे, फेस को वाइट करेंगे गाइज, तो इसके लेमिनेंस को प्लस करेंगे, आप सब अपने हिसाब से कर लीजिएगा, और इसके सिचुएशन को माइनस। देन इसके बाद रेड टोन को सेलेक्ट करेंगे गाइज, इसके सिचुएशन को माइनस, और इसके लेमिनेंस को प्लस। देन गाइज, जब यहाँ से डन कर देंगे हम लोग। देन डन करने के बाद टेम्प को माइनस करेंगे हम लोग, टेम्प को और माइनस कर लेंगे। इसके बाद गाइज वाइब्रेशन को प्लस कर लेंगे थोड़ा बहुत। देन इसके बाद टेम्प को थोड़ा और प्लस कर लेते हैं गाइज, ज़्यादा हो गया है। अब इसके बाद लाइट वाले आइकन पर आना है आप सभी को,
कंट्रास्ट को प्लस कर लेना है, हाइलाइट्स को माइनस कर लेना है गाइस, एकदम फुल फुल नहीं, लगभग आप सभी को 18 रख लेना है माइनस। वाइट्स को प्लस कर लेना है आप सभी को, और ब्लैक्स को डाउन। देन यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा डाउन कर लेना है आप सभी को गाइस। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर टोन आ चुका है, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो अब आप सभी को इस इंटरफेस को यहाँ से मिक्सिंग में आना है, और प्लस वाले आइकन पर आना है, और यहाँ से कलर रेंज को सेलेक्ट कर लेना है गाइस। कलर रेंज को सेलेक्ट करने के बाद जो सियान टोन दिख रहा है, इस पर आकर यहाँ से टैप कर देना है गाइस। टैप करने के बाद अप्लाई कर देना है आप सभी को। देन अप्लाई करने के बाद कलर्स वाले आइकन पर आना है, और इसके बाद यहाँ से इसके टेम्प को आप सभी को माइनस करना है गाइस। तो देख सकते हैं ब्लू टोन आ रहा है, तो इतना लगभग 46 माइनस कर लेना है आप सभी को। और इसके से जो ह्यू है, इसको भी यहाँ पर ले जाएंगे थोड़ा ब्लू टोन्स पर। इसके बाद यहाँ से कलर्स को हम लोग लेंगे यहाँ पर ब्लू, आप सभी को इतना रख लेना है। देख लेते हैं, यहाँ पर रखना है ग्रीन के पास। इसके बाद यहाँ से यूज फिनिमेस्टिक ऑब्जेक्ट मेटन, इसको ऐड कर लेना है गाइज। और इसके बाद यहाँ से डन कर देना है। देन डन करने के बाद गाइज फोटो में ब्लू टोन आ चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, आप सब देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग एडिटिंग वीडियो देखने के लिए।